बहुत से कितने होंगे जो सऊदी अरब रहते हैं, यकीन से बताना जब अपना वतन छोड़ते हो ये यकीन कामिल है कि वापस पलट के आएंगे, मगर हायर हुसैन जिस मदीने की गलियों में हुसैन जिस मदीने की गली में नाना की खुशबू जिस मदीने की गली में पहलू शिकस्ता माँ की काब जिस मदीने में भैया की खुशबू अल्लाह हो अकबर करार सा मरहूम खुदा गरी करे मत करे। वो कहते थे हुसैन 28 रजब को 3 हुसैन की रुखसती कयामत की है। कहा जब नाना से मिलने के लिए चले तो हुसैन पहाड़ों के तरह कदम बढ़ा रहे थे। कहते नाना से मिलने के बाद, सुन ले, नाना से मिलने के बाद जब हुसैन भैया की तरफ बढ़े तो बहुत जमा जमा के धीरे धीरे कदम हुसैन का भैया तक बढ़ा, लेकिन एक मंजिल कयामत की आ गई। कहा लेकिन अब जब हुसैन अम्मा की तरफ बढ़े तो जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की आगोश की तरफ दौड़े, दौड़ के आवाज दी, ए अम्मा खुदा हाफिज़। अजरकुम इंदल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा कोई गम न दे सवाए गम सैयद शुहदा के। मेरी तरफ देखो, मैं दो तीन फिक्रे पढ़ दूं, खत्म दुआ है, रोना, बड़े मसायब सुनोगे। अल्लाह ये 28 सफर का सफर हुसैन के लिए बड़ी मुसीबत थी, वो आखिरी सफर सकीना से रुखसती, ये पहला सफर सुगरा से रुखसती। कैसे? अल्लाहु अकबर। खुदा कोई गम ना दे सवाए गम आले मोहम्मद के। हुसैन फेरिस्ते करबला पढ़ रहे थे, ज़ैनब औलिया मकाम करीब आई। जुमला सुनो तमाम है मजलिस, करीब आई, ए मेरे भैया सुगरा को हमरा ले चलो, ए भैया सुगरा अकबर के बिन न रह पाएगी। हुसैन हाथों को जोड़ा, ए मेरी बहना सुगरा की सिफारिश न कर ला। अल्लाह अकबर। बस ज़ैनब ने एक फकरा पूछा, भैया सब जा रहे हैं, ए भैया सुगरा क्यों नहीं जा रही, ए भैया सुगरा को क्यों नहीं ले जा रहे हो? अरे एक फकरा तो जो हुसैन का कयामत तक रुलाएगा, अभी अय्याम फातिमी करके आ रहे हो, जानते हो? अल्लाह अकबर। हुसैन रोते हुए कहते हैं, अल्लाह ने मुझे बड़ी औलादे दी है, मेरे कुछ बच्चे मेरे बाबा से मिलते हैं, मेरे कुछ बच्चे मेरे भैया से मिलते हैं, मेरे कुछ बच्चे अल्लाह अकबर मुझसे मिलते हैं। इमाम हुसैन ने कहा, ये मेरी सुगरा मेरी अम्मा की तरह है। हुसैन को बर्दाश्त न होगा कि कूफे की गलियों में सुगरा, शाम की गलियों में सुगरा। अजरकुम इंदल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। यकीन जानिए, बस आखिरी फकरा और खत्म दुआ है। खुदा कोई गम न दे सिवाए गम सैयद शुहदा के। हमीद बिन मुस्लिम कहता है, हुसैन वो वक्त करीब आया सुबह नमूदार हुई। यकीन जानिए, हुसैन के सफर को देखने के लिए पूरा मदीना आके जुटा था, पूरा मदीना आके देख रहा था कि ये निकलते कैसे हैं। हायर जिस गली पे हुसैन अल्लाह अकबर। आप बड़ी आसानी से सुन लेते हैं, हुसैन ने मदीना छोड़ा, हुसैन मदीना नहीं छोड़ रहे हैं, हुसैन की रूह निकल गई जब मदीना छोड़ना पड़ा। अरे जिस कब्र की मुजावरी हुसैन करता हो, इसीलिए तो कहा अम्मा। खत्म दुआ है मेरा अजीजों, बस आखिरी फिक्रा,
मेरी माँ बहनों के लिए दो फिक्र है, कैसे रुखसती। अल्लाह अकबर, सफर किया है आपने। हुसैन हमीद कहता है कुर्सी लाई गई, हुसैन कुर्सी पे बैठे, बीबियां निकल रही थी, लैला निकली, अकबर आगे बढ़े, आके लैला को सवार किया, रबाब निकली, मेरा मौला आगे बढ़ा, सज्जाद सवार किया। अरे मरहला बड़ा सख्त था, सारे सवार होते गए। अल्लाह अकबर। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने बीबियों में इतना एहतमाम, सारी बीबियां सवार हो गई। बस आखिरी फकरा, एक बीबी न जाने क्या था कि मैंने देखा कि अब्बास बाहर आए, आसमान की सिर्फ अलमान अलहफीज, आसमान की तरफ इशारा, जमीन की तरफ इशारा। मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, कहा अब्बास आसमान की मखलूकों से कह रहे पर्दा करो, जमीन की मखलूकों से कह रहे पर्दा करो। अरे कहा कौन आ रहा है, कहा अरे तुम्हें पता नहीं है, ये हुसैन की बहन ज़ैनब आ रही है, अब्बास की बहन ज़ैनब आ रही है, इधर से अकबर ने, उधर से कासिम ने, हुसैन खड़े हुए, ए मेरी बहन। अल्लाह अकबर, मेरा दिल तड़प गया जब ज़ैनब ने करबला में दाएं देखा बाएं देखा, आवाज दी ए भैया अब्बास, आज ज़ैनब को सवार न करोगे, जख्मी भतीजा पुपी अब